आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की ये तस्वीर। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक प्रैंक पहुंचे थे और कंबल बाबा की शरण में मंत्री जी ने कंबल बाबा से डायबिटीज से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। दरअसल स्थानीय लोग कहते हैं कि कंबल बाबा अपनी ताकतों के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि मंत्री महोदय भी बाबा के दरवाजे पर जा पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए कैसे कंबल बाबा बीमार मरीजों को हिला डुलाकर खींच खिंचा कर उनका इलाज कर रहे हैं। अजीब बात तो ये है कि डायबिटीज़ का इलाज कंबल बाबा ने मंत्री जी को चीनी खिलाकर शुरू किया, जो कि किसी भी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है। हालांकि जिस तरह से शुगर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कंबल बाबा के पास पहुंचे हैं, आप इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन क्या करें, आखिरकार हमारे मंत्री भी तो इंसान ही हैं। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जहां डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं, उनका एक बयान है और यह बयान सियाची भूचाल के लिए काफी है। दिनेश शर्मा ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा कि बाबर और औरंगजेब शासक नहीं थे, लुटेरे थे, और बच्चों को लुटेरों के बारे में नहीं बल्कि देशभक्तों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि इशारों इशारों में डिप्टी मुख्यमंत्री शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में मुगलिया सल्तनत के इतिहास को पूरे तरीके से बदल दिया जाएगा और उन नामों को मिटा दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते। क्या किसी भी देश के इतिहास को आप इस तरह से मिटा सकते हैं? ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार यही मानती है कि उसके पास इतनी ताकत है कि किसी भी देश के इतिहास को मिटा सके, बदल सके, तब्दील कर सके। औरंगजेब और बाबर लुटेरे थे, देशभक्तों का इतिहास पढ़ाना चाहिए, जो कहा है उस पर अडिग हैं। इन तीन पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के उस बयान का पूरा सार मौजूद है, जिसके चलते यूपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष दिनेश शर्मा के बयान पर कैसे दंज कस रहा है, ये जानने से पहले समझिए कि आखिर दिनेश शर्मा ने कहा क्या है। सबसे पहले बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों पर उप मुख्यमंत्री जी की राय जान लीजिए। बाबर और औरंगजेब हिंदुस्तान में आके मंदिरों को लूटा, यहाँ की संस्कृति को लूटा, यहाँ के लोगों की जानों को, सरों को कत्लेआम किया, यहाँ के लोगों का धर्म का परिवर्तन कराने के लिए बाध्य किया और वो यहाँ के लोगों का शत्रु बनकर आया और वो लूट खसोट करने के लिए आया था, तो लूट खसोट करने वाले को हम क्या बोलेंगे। मुगल शासक औरंगजेब और बाबर तो दिनेश शर्मा के लिए लुटेरे हैं, लेकिन जिन बहादुर शाह जफर की मजार पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उन मुगल बादशाह का दिनेश शर्मा सम्मान करते हैं। वजह भी बताते हैं, वजह ये कि बहादुर शाह जफर ने गोकशी का विरोध किया था। बहादुर शाह जफर ने 1857 के युद्ध में हिंदुस्तान के स्वतंत्र वीरों की तरफ से युद्ध लड़ा, वो हमारे लिए आदर का पात्र है। और ऐसे शासक ने बादशाह बनने के तत्काल बाद एक फरमान जारी किया, पहला फरमान, कि भारतवर्ष में हिंदुस्तान में गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुगल बादशाहों की परिभाषा देने के बाद डिप्टी सीएम साहब ने ये भी बताया कि आखिर इतिहास में पढ़ाया क्या जाना चाहिए। शिवाजी और तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर लुटेरे थे, ऐसा लिखा गया यहाँ के पाठ्यक्रमों में, वो तो हम पढ़ाने से रहे, हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके ऐसे लोगों को प्रणम्य भाव से देखते। जो मैं बोल रहा हूँ वही कल भी बोला था, वही आज भी बोला है, कल भी कोई कहेगा तो वही बोलूंगा। दिनेश शर्मा जी ने अपनी बात कह दी, लेकिन विपक्षी दलों को मानो ये नसीहतें या बदलाव के दावे हजम नहीं हुए। जो म्यांमार में उन्होंने बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ाए हैं, फातिहा पढ़ा है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो गए थे, जो उनके सबसे सिरमौर नेता हैं, वो गए थे, उन्होंने भी किया था। तो स्वाभाविक रूप से चेले चपाटी कहते हैं कि लूटर्स थे, और जो प्रधानमंत्री उनके सर्वोच्च नेता हैं वो फूल चढ़ाते हैं, तो पहले तो आपस में फैसला कर लें कि वो क्या थे। अभी मदरसों के अनुदान रोकने के मुद्दे पर योगी सरकार पर उठाए जा रहे सवाल खत्म भी नहीं हुए थे कि दिनेश शर्मा के इस बयान ने फिर एक बार विपक्ष के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका दे दिया। टीम न्यूज नेशन। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं और उनका बयान अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि
बीजेपी की विचारधारा अगर भारतीय इतिहास से मेल नहीं खाती तो फिर विचारधारा नहीं बदली जाएगी, भारत का इतिहास बदला जाएगा। शिक्षा के भगवाकरण की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कई राज्यों में लगातार होती रही हैं और ऐसे आरोप बड़े आम हो चुके हैं, अब तो हम सबों की इसकी आदत भी हो चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय पिछले 6 महीने अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर ही जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सब कुछ एक जादुई छड़ी की तरह बदल कर रख देना चाहती है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बेधड़क एक के बाद एक बयान दिए और हर बयान की तासीर ही कुछ ऐसी थी कि उसका सुर्खियों में आना लाजमी था। ऐसा ही एक बयान था ताजमहल पर, जिसे लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि ताजमहल को याद उन मजदूरों के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इसे बनाया, ना कि उस बादशाह के लिए जिसने मजदूरों तक के हाथ काट दिए। उसको बनाने वाले जो कलाकार थे वो पूज्य हैं। 20 साल में बिचारों ने बनाया। ताजमहल हमारे हिंदुस्तान का प्रमुख धरोहर है, वो हमारे लिए सम्मान का पात्र है, लेकिन हम उस संस्कृत को नहीं मानते कि काम अच्छा करने वाले मजदूर जो 20 सालों तक जिन्होंने अपने हाथों को रगड़ के उस इमारत को बनाया हो और बनने के बाद में उनको पुरस्कार देने के लिए उनका हाथ काट दिया गया, उस संस्कृत के हम पुरोधा नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार की तरफ से ताजमहल को लेकर कुछ कहा गया हो। दिनेश शर्मा से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। योगी ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानने से इंकार कर दिया था। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है तो श्रीमद् भगवद् गीता पुस्तक भेंट की जाती है। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जिनको विपक्ष ने धर्म विशेष से जोड़कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब हाल ही में यूपी के सरकारी स्कूलों में बीजेपी की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को ही लीजिए। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के तकरीबन 11 लाख छात्र शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता के लिए दी गई पुस्तिका में महापुरुषों की फेहरिस्त से महात्मा गांधी का नाम नदारद था। देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम भी नहीं था। पुस्तिका में मुगल शासकों और ताजमहल का भी जिक्र नहीं था। अब योगी सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव के कितने ही दावे कर ले, लेकिन जब तक इस किस्म के कदम उठाए जाते रहेंगे और ऐसे बयान सामने आते रहेंगे तब तक योगी सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप भी लगते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। सत्ता में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 36,000 करोड़ के कर्ज माफी का ऐलान किया। अब आइए उसकी वास्तविकता आपके सामने रखते हैं और ये जानकर आपको हैरत होगी कि अच्छे दिन किसानों के वाकई में आ गए उत्तर प्रदेश में। अच्छे दिन नहीं है तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान को 9 पैसे माफ कर दिए जाएं, 100 पैसे माफ कर दिए जाएं, 10 रुपए माफ कर दिए जाएं, 50 रुपए माफ कर दिए जाएं। अरे भाई ये तो अच्छे दिन ही तो हैं और क्या है, 9 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे। अरे भाई क्या मजाक है किसानों के साथ, इससे भद्दा मजाक क्या कोई सरकार कभी कर सकती थी? किसी को 10 रुपए 37 पैसे तो किसी को 20 रुपए, किसी को 27 रुपए तो किसी को 42 रुपए। ये वो रकम है जिसे कर्ज माफी करार देकर योगी सरकार ने प्रदेश के कुछ किसानों को दिया है। योगी सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों की कर्ज माफी में राज्य सरकार धरती पुत्रों की मदद करेगी, लेकिन जब प्रमाण पत्र दिए गए तो कुछ बदकिस्मत किसानों की तकदीर के साथ ये भद्दे मजाक जैसा लगा। हमीरपुर के मुन्ने लाल के ऊपर 1,60,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन कर्ज माफी के तौर पर उन्हें प्रमाण पत्र मिला है 10 रुपए 37 पैसे का। मजाक किया जा रहा है, आपके साथ मजाक किया जा रहा है। हाँ। मुन्नेलाल जैसा ही कुछ बिजनौर के किसान संजीव के साथ हुआ। संजीव के ऊपर बैंक का 1.5 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन जब कर्ज माफी का प्रमाण पत्र मिला
तो उसमें रकम लिखी थी सिर्फ 50 रुपए। डेढ़ लाख ऋण था। और जो सरकार ने माफ किया वो कितना माफ किया? वो 50 रुपए माफ किया। जबकि माफ कितना होना चाहिए था? सहरा होना चाहिए था 1.5 लाख। ये तो सिर्फ 2 मामले हैं। कई ऐसे किसान सामने आए हैं जिन्हें 10 रुपए की कर्ज माफी भी नहीं मिली। किसी को 9 पैसे, किसी को 84 पैसे, किसी को 2 रुपए, तो किसी को 3 रुपए की कर्ज माफी नसीब हुई। सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी कर्ज माफी को एक बड़ा कदम करार दे रहे हैं, लेकिन इतनी कम रकम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अपने ही अंदाज में तंज कसे। अरे एक चादर छिपा दोगे तो हमारी गरीबी थोड़ी छिप जाएगी। हमें एक चादर अगर लगा दोगे किसी को छिपाने के लिए से गरीबी नहीं छिपेगी। हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरना सियासत का दस्तूर है, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर जो किसानों के साथ हो रहा है उस पर खुद सीएम साहब को गौर करना ही चाहिए। टीम न्यूज नेशन। अगर मोटे शब्दों में हम इसे मध्य वर्ग के सामने रखें, अगर गैस सिलेंडर जो हम लेते हैं और जो हमें राहत मिलती है सब्सिडी के तौर पर 250-250 रुपये मिलती है प्रति सिलेंडर, अगर वो राहत की सब्सिडी की जो रकम आपको मिलती है वो 50 पैसे, 90 पैसे, 120 पैसे मिले, यानी 1 रुपया 20 पैसे, कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना कि सरकार को दे थप्पड़ दे मारे इसे, ये रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मदद। कुछ ऐसा ही लग रहा है उत्तर प्रदेश के किसानों को। अच्छे दिन हैं, यही होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आजकल हमारे बाबा लोग जो जेल में बंद हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हों या अन्य तरह तरह के मामले हों, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो बड़े नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। धर्म और धर्म की अनुयायी या पालन करने वाले ये तमाम लोग अपने आपा कैसे खोते हैं, ये देखिए। गधों की श्रेणी में वैसे आसाराम बापू ने जो कहा वो अपने आप में बहुत गलत नहीं है। जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, शायद कुछ ऐसी ही श्रेणी उनकी होनी चाहिए।